सो हे गाइस, मेरा नाम अशोक गौतम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिमाचली राइडर। और अभी जो आप सामने बाइक्स देख रहे हैं ये है SP125 होंडा कंपनी की है और ये इसका फेस टू है। और फेस टू जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको E20 जो लिखा देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्टिकर लगाया गया है E20 का और उस बाइक पर भी E20 का है। और इन दोनों का मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ क्योंकि इसमें जो है वो आपको डिस्क देखने को मिलेगी और इसमें जो ड्रम ब्रेक रहेगी। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सामने से जो है दोनों बाइक्स जो है एक जैसी आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट में जो है यहाँ पे LED आपको देखने को मिलेगा हेडलैम्प, और इसमें भी आपको LED देखने को मिलेगा। इसके साथ में टर्न इंडिकेटर्स जो है वो नॉर्मल देखने को मिलेंगे, नॉर्मल वाले हैं। इसके साथ में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे फ्रंट में, देख सकते हैं आप। और इनका साइज़ जो है दोनों का जो है साइज़ बराबर दिया गया है। इसके साथ में यहाँ पे जो है आपको जो है वो रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, और इसमें भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको फ्रंट में जो है वो ड्रम ब्रेक लगाया गया है, और इसके साथ में एक वायर जो यहाँ पे दी गई है वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम की। तो इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है। उसके साथ में अगर हम बात करें इसके टायर साइज़ की, इसका टायर साइज़ है वो 80x118 इंच का जो अलॉय व्हील आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह से जो है वो रहेगा गन मेटल जो है वो ग्रे कलर का जो है ये अलॉय आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। इसके साथ में अलॉय आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, और ये जो है आपको ट्यूबलेस टायर जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम बात करें तो ये जो है वो C8 कंपनी का जो है वो ये टायर आप देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर हम बात करें डिस्क की तो डिस्क जो है वो 240mm की देखने को मिलेगी, और ये डिस्क वाला जो है वर्जन रहेगा। और इसका टायर साइज़ की बात करें तो इसका टायर साइज़ वो 80x118 इंच का जो वो टायर देखने को मिलेगा, और ये भी ट्यूबलेस के साथ जो है वो आपको कंपनी जो प्रोवाइड करती है। और अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो दिया गया है, यहाँ से जो है वो कंट्रोल होगा। और फ्रंट से जो दोनों बाइक जो है उनमें जो एक ही डिफरेंस है वो है इसका, यहाँ पर ड्रम है और वहाँ पर डिस्क है। इसके साथ में अगर हम बात करें इसकी कंसोल की, इसके साथ में अगर हम बात करें SP125 के कंसोल की, तो ये जो है डिस्क वाला है और ये है ड्रम वाला। तो की बात करें तो की आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी, और जैसे हम यहाँ से ऑन करते हैं इस तरह से जो है किसका क्लस्टर ऑन होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये फुल जो है वो डिजिटल में रहेगा। यहाँ पे फ्यूल गेज का जो है वो यहाँ पे आ रहा है। इसके साथ में स्पीडोमीटर यहाँ पे है, और गियर पोजीशन इंडिकेटर जो है वो आपको इस बाइक में दिया जा रहा है। इसके साथ में यहाँ पे Trip 1 है, Trip 2 है, आप देख सकते हैं। इसके साथ में आइडियल जो है वो फ्यूल इकॉनमी जो है वो भी आ रहा है, एवरेज आ रही है, देख सकते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर का रहेगा। इसके साथ में यहाँ पे पास का दिया गया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं इंजन का है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे जो है आपको इस तरह का फीचर जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें डिस्क वाले के कंसोल की, तो इसका कंसोल भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। सिमिलर ही यहाँ पर की दी गई है, और इस तरह से इसका कंसोल रहेगा। तो दोनों बाइक के कंसोल में जो है वो कोई भी डिफरेंस नहीं है, और आप देख सकते हैं। इसके साथ में यहाँ से बाइक जो है आपको इस तरह की देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें स्विच गियर की, तो स्विच जो है यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे पास देखने को मिलेगा, हाई बीम और लो बीम का भी इसी में रहेगा, इंडिकेटर रहेगा। और इसके साथ में टर्न इंडिकेटर का यहाँ पे रहेगा। इसके साथ में यहाँ पे हॉर्न का है, हॉर्न जो है आपने सुना भी। और इसके साथ में आप देख सकते हैं सिंगल पीस जो है आपको हैंडल देखने को मिलेगा, और ये ब्लैक कलर में है और ग्लॉस ब्लैक में है, आप देख सकते हैं। इसके साथ में अगर हम मिरर्स की बात करें, तो मिरर जो है वो काफ़ी स्पोर्टियर हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह के इसके स्पोर्टियर जो मिरर देखने को मिलेंगे, और विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है इनमें विजिबिलिटी रहेगी। इसके साथ में यहाँ पे जो है आपको किल स्विच का बटन देखने को मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पे जो इंडिकेटेड जो है वो स्टार्टर भी रहेगा, और आप देख सकते हैं ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम ही जो है सिस्टम देखने को मिलेगा। तो अभी ये गाड़ी जो तैयार नहीं है, इसलिए यहाँ पे मिरर्स जो नहीं लगाए गए हैं, तो मिरर्स भी ऐसे ही आएंगे इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी गियर की जो क्वालिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको सेंटर में होंडा देखने को मिलेगा। और इसके साथ में अगर हम बात करें फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक का जो कैप है वो आपको इस तरह का सिल्वर कलर का देखने को मिलेगा। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 11.2 लीटर जो इसकी कैपेसिटी रहेगी। यहाँ पर E20 लिखा हुआ है, इथेनॉल 20% है इसमें, और ये BS6 का फेस 2 रहेगा, आप देख सकते हैं। रियर लुक जो इस तरह की देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल वाला जो टेल लाइट जो देखने को मिलेगी। और इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी होंडा का जो स्टिकर लगाया गया है, और इस तरह का इसका जो रियर लुक जो है रहेगा। दोनों बाइक का जो रियर लुक है वो सिमिलर है। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो फ्रंट में ही डिस्क देखने को मिलेगी, रियर में जो 130mm का जो है वो टायर आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। 130mm का जो है यहाँ पर टायर जो है वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है।
और सेक्शन की बात करें तो 100x80 18 इंच का जो टायर देखने को मिलेगा। और इसके सेक्शन की बात करें तो इसका सेक्शन जो है वो भी सिमिलर ही रहेगा, और इसका सेक्शन जो है वो आप और अगर हम बात करें ड्रम वाले के सेक्शन की, तो इसका रियर व्हील का जो सेक्शन वो है 100x80 18 इंच का। तो सेक्शन में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ इसके टायर के डिज़ाइन जो है उसमें बदलाव रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का टायर है और यहाँ पे किस तरह का टायर है। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो जो पहले आती थी उससे इसका टायर जो बढ़ गया है। आप देख सकते हैं इस बार जो है टायर जो काफ़ी वाइडर रहेगा, और इसका साइलेंसर रहेगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस तरह का इसका साइलेंसर रहेगा, और इसकी साउंड जो है वो आपको मैं सुनाता हूँ। जैसे हम यहाँ से जो है इसको ऑन करते हैं, इस तरह की जो है इसकी साउंड रहेगी। और अगर मैं बात करूं ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स जो इस बार न्यू जो है वो ऐड किए गए हैं। यहाँ पे ग्लॉस जो है उसके साथ यहाँ पे रेड स्ट्रिप जो है और सिल्वर स्ट्रिप जो लगाई गई है। SP125 जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके साथ में ESP जो है ये टेक्नोलॉजी रहेगी। और ये होंडा का जो है वो इंजन रहेगा, 4-स्ट्रोक जो है वो इंजन रहेगा, और PGM-FI जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके पावर्स की बात करूं, स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो यहाँ पे आपको 10.8 PS की जो पावर देखने को मिलेगी, 10.9 न्यूटन मीटर की जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे होंडा जो है यहाँ पे इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, लोगो 3D में। यहाँ पे जो है वो मैट दिया गया है साथ में, और देख सकते हैं इस तरह का जो इसका जो फेंडर देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको सेम ही जो है वो देखने को मिलेगा। और इसमें जो है वो टोटल जो है वो 4 कलर जो आते हैं, तो आप देख सकते हैं एक कलर जो है वो SP125 में यहाँ पे खड़ा है, ये नियॉन के साथ है, जो कि मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और जो सेकंड कलर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू में रहेगा, इस तरह का सेकंड है। और आप देख सकते हैं इसके साथ में एक जो है वो रेड कलर आएगा, जो कि पूरा जो है वो रेड रहेगा। और जो नेक्स्ट कलर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है SP125 का है, और ये मैट जो है वो ग्रे आपको कलर देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी डिज़ाइन जो है वो नहीं दिया गया है, लोगो यहाँ पे रहेगा 3D में। और इसके साथ में जो है सिर्फ SP125 यहाँ पे रहेगा, और E20 यहाँ पे रहेगा, बाकी कोई भी इसमें डिज़ाइन जो है नहीं रहेगा। और ये मैट जो है वो ग्रे कलर जो है आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसमें जो प्राइस डिफरेंस है वो 4,000 का देखने को मिलेगा। और ये बाइक जो है वो आपको देखने को मिलेगी 85,124 की, 85,124 की, और ये देखने को मिलेगी 89,124 की। तो दोनों बाइक्स में जो है वो आपको 4,000 का जो डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जो 4,000 का डिफरेंस है वो दिया गया है ओनली डिस्क के लिए। यहाँ पे आपको जो डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो है नहीं देखने को मिलेगी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको जो है वो कौन सी बाइक जो है वो अच्छी लग रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।